अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड एक बार फिर 80 डॉलर के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही कच्चा तेल 3 साल के उच्चतम स्तर पर भी पहुंच गया है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ये 78.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा था। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपये तक बढ़ सकते हैं, ईंधन विशेषज्ञों ने ये अनुमान जताया है। तंग सप्लाई और अमेरिका में इन्वेंट्री घटने के साथ एशिया और यूरोपीय देशों में डिमांड में उछाल से क्रूड फिर से उबलने लगा है। ब्रेंट का भाव 80 डॉलर के करीब पहुंच गया है और 2022 के लिए क्रूड का टारगेट 100 डॉलर का दिया जा रहा है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के अनुसार बीते एक महीने में कच्चा तेल 69.70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। एक महीने में कच्चे तेल में करीब 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत में कमी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में टीकाकरण की रफ्तार तेज होने से कच्चे तेल की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इससे कीमत में और तेजी आने की आशंका है। इसका असर भारतीय तेल बाजार पर पड़ना तय है। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत में 5 रुपये की बढ़ोतरी आने वाले महीने में देखने को मिल सकती है। वहीं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट और वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार से आर्थिक गतिविधियां खुली हैं, इससे तेल की मांग तेजी से बढ़ रही है। नतीजतन कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है और रुपया कमजोर। कुल जरूरतों का 80 से ज्यादा क्रूड आयात करते हैं हम, और इसे खरीदने के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है। ऐसे में रुपये के कमजोर होने से कच्चे तेल का खर्च बढ़ रहा है। वहीं वैश्विक रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैच ने कच्चे तेल का दाम साल के अंत तक 90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने का अनुमान लगाया है। इस रिसर्च फर्म का कहना है कि कोरोना के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, वहीं मांग तेजी से बढ़ी है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का असर पूरी दुनिया से कम हो रहा है। ऐसे में इनका अनुमान है कि साल के अंत तक कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की बढ़ोतरी होगी। अमेरिका में भी तेल का उत्पादन प्रभावित होने में कीमत में बढ़ोतरी होने की आशंका है। अगस्त महीने में भारत का तेल आयात 3 महीने के शिखर पर पहुंच गया है। वहीं जुलाई में यह 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग निकलने के संकेत हैं। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन को देखते हुए मांग और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि कच्चा तेल महंगे होने का असर काफ़ी चीज़ों पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, जैसे रसोई गैस की कीमत बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ज़रूरी रसायन महंगे हो सकते हैं, हवाई ईंधन महंगा हो सकता है, माल भाड़ा आने जाने का खर्चा महंगा होगा, ल्यूब्रिकेंट्स पेंट जो घर में इस्तेमाल होते हैं आदि महंगे हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जहाज और फैक्ट्रियों की जो लागत होगी उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और इसी के साथ साथ रोड के निर्माण में जो लागत लगती है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।